गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ एस के सर फ्रॉम अनुराग अकेडमी सिसवारा. आप सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम बायोलॉजी का स्पेशल एक क्लास चलाता हूँ जो BHU और TGT और PGT के लिए इम्पोर्टेंट है. और वर्टिब्रेट्स के आगे मेरे टॉपिक है पेट्रोमाइजन लैम्प्रे या लैम्प्रे. पेट्रोमाइजन को लैम्प्रे कहते हैं अथवा इसका दूसरा नाम है एमोसाइट लार्वा. और इसके बाद जो मेरी नमस्कार, मैं एस के सर अनुराग अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं. और मैं पिछले दिन जिस टॉपिक में बात किया था वो मेरी टॉपिक थी वर्टिब्रेट. वर्टिब्रेट में मैंने बताया था वर्टिब्रेट के दो क्लास थे जिसमें एक नाथा और गैंथोस्टोमा के बारे में बात किया था. आज हम लोग उसके आगे की टॉपिक साइक्लोस्टोमा के बारे में बात करेंगे. तो ये मेरी टॉपिक है साइक्लोस्टोमा. साइक्लोस्टोमा क्या है? साइक्लोस्टोमा में मैं पेट्रोमाइजान के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ. पेट्रोमाइजान, पेट्रोमाइजान एक एनिमल है जिसे लैम्प्रे भी कहा जाता है. किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? पेट्रोमाइजान के बारे में बात करेंगे. तो पेट्रोमाइजान की जो बातें हैं, सबसे पहली कंडीशन पेट्रोमाइजान जो होता है वर्टिब्रेट में कंडीशन क्या आती है? नोटोकार्ड की बात आती है. नोटोकार्ड क्या पाया जाता है? नोटो कार्ड पाया जाता है. कंडीशन याद रखिए कि पेट्रोमाइजान में नोटो कार्ड क्या होता है? थ्रू आउट द लाइफ क्या होता है? प्रेजेंट होता है. इसमें क्या होता है? नोटो कार्ड में संपूर्ण जीवन क्या होता है? पेट्रोमाइजान में नोटो कार्ड संपूर्ण जीवन क्या होता है? प्रेजेंट होता. यानी पेट्रोमाइजान में नोटोकार्ड संपूर्ण जीवन पाया जाता है. दूसरी कंडीशन है, यहां हम लोग वर्टिब्रेट में अपेंडिजेस के बारे में बातें किया था. तो यहां क्या होता है? पेयर अपेंडिजेस पाया जाता है. क्या पाया जाता है? पेयर अपेंडिजेस. अपेंडिजेस प्रेजेंट होता है. पेयर अपेंडिजेज यहाँ पर क्या होता है? पेयर अपेंडिजेज पाया जाता है. और क्या होता है? ये जो पेट्रोमाइजान होता है ये विदाउट जा होता है. विदाउट जा अर्थात पेट्रोमाइजान में जबड़ा नहीं पाया जाता है. अब क्या होता है? यहां एक या दो क्या होता है? एक या दो सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती है. क्या पाई जाती है? सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती है. किसमें पाई जाती है? मैंने कहा पेट्रोमाइजान में. पेट्रोमाइजान में क्या होता है? एक या दो सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती है. अब क्या होता है? पेट्रोमाइजान में क्या होता है? पेट्रोमाइजान को लैम्प्रे कहते हैं. मैंने सबसे पहले बता दिया था पेट्रोमाइजान को क्या कहते हैं? लैम्प्रे भी कहते हैं. और पेट्रोमाइजान पाया कहाँ जाता है? ये पेट्रोमाइजान फ्रेश वाटर में होता है. कहाँ होता है? फ्रेश वाटर में. और कहाँ होता है? साल्ट वाटर यानी मैरीन वाटर में भी पाया जाता है. ये जो एनिमल्स है पेट्रोमाइजान अर्थात लैम्प्रे, ये दो कंडीशन में पाया जाता है. एक फ्रेश वाटर में पाया जाता है और दूसरा साल्ट वाटर में पाया जाता है. और पेट्रोमाइजान को, जो पेट्रोमाइजान लार्वा को क्या बोलते हैं? एमोसाइट लार्वा बोलते हैं. हमने क्या कहा? पेट्रोमाइजान लार्वा को क्या कहते हैं? एमोसाइट लार्वा कहते हैं.
यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेट्रोमाइजान लार्वा को क्या कहते हैं? तो पेट्रोमाइजान लार्वा को येमोसाइट लार्वा कहते हैं। अब दूसरी कंडीशन मैं आपको बताऊं कि येमोसाइट लार्वा में गाल ब्लैडर और बाइल डक्ट प्रेजेंट होता है। क्या होता है? येमोसाइट लार्वा में क्या होता है? गाल ब्लैडर। क्या होता है? गाल ब्लैडर। मैंने क्या कहा? येमोसाइट लार्वा में गाल ब्लैडर और बाइल डक्ट क्या होता है? प्रेजेंट होता है। मींस येमोसाइट लार्वा में क्या होता है? गाल ब्लैडर और बाइल डक्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, लेकिन जैसे ही येमोसाइट लार्वा एडल्ट हो जाता है, एडल्ट होता है तो इनमें गाल ब्लैडर और बाइल डक्ट क्या होते हैं? अबसेंट होते हैं। क्या होते हैं? अबसेंट। हमने क्या बताया? येमोसाइट लार्वा जो होता है इनमें गाल ब्लैडर और बाइल डक्ट पाई जाती है, लेकिन जैसे ही येमोसाइट लार्वा मेच्योर हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तुरंत इसमें क्या हो जाता है? बाइल डक्ट और गाल ब्लैडर क्या हो जाते हैं? अब्सेंट हो जाते हैं। तो ये इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पेट्रोमाइजान। हमने कहा पेट्रोमाइजान का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि पेट्रोमाइजान में मेच्योर अवस्था में, एडल्ट अवस्था में गाल ब्लैडर और बाइल डक्ट अब्सेंट हो जाती है, जबकि उसके पहले क्या होती है? पाई जाती है। अब एक यहाँ क्वेश्चन और बनता है कि पेट्रोमाइजान में क्वासी पैरा, पेट्रोमाइजान क्या होता है? क्वासी पैरा साइट होता है। क्या होता है? क्वासी पैरा साइट होता है। पेट्रोमाइजान क्वासी पैरा साइट होता है। तो यहाँ जो हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। यदि आप मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि मैं आपको बता दिया, मैं स्टेप वाइज आपको संपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करूंगा जो आपके टीजीटी, पीजीटी और बीएचयू एंट्रेंस के लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा। यदि आप मेरे टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बेल आइकन की घंटी है जो जिसे आप दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें सबटोरियल माउथ पाया जाता है। क्या होता है? माउथ कैसा होता है? सबटोरियल माउथ पाया जाता है। इसमें क्या होता है? सबटोरियल माउथ पाया जाता है। किसमें? पेट्रोमाइजान में। अब क्या करिए? पेट्रोमाइजान में मायोटॉर्न मसल ई शेप होती है। पेट्रोमाइजान में मसल, कैसी मसल? मायोटॉर्न मसल कैसी होती है? पेट्रोमाइजान में मायोटॉर्न, या इसी को क्या कहते हैं? मसल कहते हैं। ये मसल कैसी होती है? ई शेप होती है। अर्थात प्रश्न पूछा जाएगा कि पेट्रोमाइजान में क्या थी? मसल किस आकार की होती है? तो पेट्रोमाइजान में मसल ई शेप होती है, ई आकार की होती है। अब मैं अगला जो क्वेश्चन बात करूं कि पेट्रोमाइजान में हाइट की बातें करते हैं। हाइट किसकी बात करते हैं? हाइट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोमाइजान में हाइट, पेट्रोमाइजान में तो हाइट पाया जाता है, लेकिन ये जो हाइट होता है यस शेप हाइट पाया जाता है। यानी यस शेप हाइट किसमें पाया जाता है? यस शेप हाइट पेट्रोमाइजान में पाया जाता है। अब यहां से मैं पेट्रोमाइजान के जो अगले क्वेश्चन की बातें करना चाहता हूं, यहां पर हम लोग देख रहे हैं, आगे की तरफ चलेंगे। पेट्रोमाइजान में ब्लड वेसल्स सीनस क्या होती है?
ब्लड वेसल्स की बारे में बातें हम लोग करेंगे। तो चलिए यहाँ आते हम लोग ब्लड वेसल्स पर बातें करने। ये ब्लड वेसल्स क्या है? ये पेट्रोमाइजान में जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, ये कैसी होती है? आप समझिए, साइनस वीनस होती है। कैसी होती है? साइनस वीनस होती है। पेट्रोमाइजान में ब्लड वेसल्स साइनस वीनस होता है और एक आर्टिकल पाई जाती है। हमने क्या होता है कि पेट्रोमाइजान में वन आर्टिकल पाई जाती है, वन आर्टिकल ने? आप हार्ट के पार्ट के बारे में जान रहे हैं, वन आर्टिकल होता है और क्या होता है, वन वेंट्रिकल होता है। क्या होता है? वन वेंट्रिकल, जिसे हम लोग अलिंद और निलय कहते हैं। तो एक अलिंद और एक निलय पाया जाता है, मीन्स वन आर्टिकल एंड वन वेंट्रिकल प्रेजेंट इन पेट्रोमाइजान हार्ट। अब यहाँ पर बातें हम लोग करते हैं कि यहाँ क्या होता है, कोनस आर्टरियस होता है। क्या होती है? जो आर्टरियस कोनस आर्टरीज पाई जाती है, क्या होती है? आर्टरीज। और जो कंडीशन आती है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे थे पेट्रोमाइजान की, मैंने उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हमें लगता है इसके अतिरिक्त जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पेट्रोमाइजान में किससे पूछा जाएगा? रिप्रोडक्शन से। तो पेट्रोमाइजान का जो रिप्रोडक्शन होता है, पेट्रोमाइजान में रिप्रोडक्शन की बातें हम लोग करें तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि पेट्रोमाइजान डायोसियस होता है। कैसा होता है? पेट्रोमाइजान बॉडी डायोसियस होती है और इसमें मेल मेल और क्या फीमेल, मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। हमने क्या होता है? दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, यानी इनमें मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? सेपरेट, अर्थात क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसीलिए पेट्रोमाइजान को डायोसियस भी कहते हैं। अब प्रीमिटिव स्टेज में, मैंने क्या कहा? प्रीमिटिव स्टेज में ये क्या होता है? एमोसाइट लार्वा में क्या होता है? एमोसाइट, क्योंकि पेट्रोमाइजान के लार्वा को क्या कहते हैं? एमोसाइट लार्वा कहते हैं। तो प्रीमिटिव स्टेज में एमोसाइट लार्वा में उगोनिया बनती है। क्या बनती है? उगोनिया बनती है और क्या बनता है? स्पर्मेटोगोनिया बनती है। क्या बनती है? उगोनिया बनती है और स्पर्मेटोगोनिया बनती है, अर्थात एमोसाइट लार्वा में क्या होता है? ये उगोनिया और स्पर्मेटोगोनिया दोनों एक साथ पाए जाते हैं। लेकिन यहां अब कंडीशन आती है कि जैसे ही ये स्टेज क्या हो जाए? डेवलप हो जाए, यानी डेवलप अवस्था में, ये तो प्रिमिटिव अवस्था में था यानी छोटे में, जैसे ये डेवलप एडल्ट यानी परिपक्व मैच्योर हो जाए, उस कंडीशन में या तो उगोनिया बचेगा या तो स्पर्मेटोगोनिया बचेगा। यानी क्या होगा? हमने कहा कि एमोसाइट लार्वा में प्रीमिटिव छोटी अवस्था में क्या होता है? उगोनिया और स्पर्मेटोगोनिया दोनों पाया जाता है। लेकिन जैसे ही एमोसाइट लार्वा मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, उस कंडीशन में या तो स्पर्मेटो या तो उगोनिया ही बनेगा बचेगा या तो स्पर्मेटोगोनिया ही होगा। यदि अब मैंने कहा यदि इस पर एडल्ट अवस्था में स्पर्मेटो
गोनिया बचता है या बनता है, यानी जब ये मेच्योर हो गया और मेच्योर अवस्था में क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया बचा और वो गोनिया गायब हो गया। यदि स्पर्मेटोगोनिया बचेगा तो ये जो लार्वा होगा ये क्या बनेगा, मेल बनेगा। यदि अब मैंने आपको क्या बताया कि एमोसाइट लार्वा में क्या होता है, जब डेवलप करता है एमोसाइट लार्वा यानी मेच्योर होता है, तो यदि स्पर्मेटोगोनिया बनता है तो वह मेल होता है, और यदि ओगोनिया बनता है तो वह क्या होता है, फीमेल होता है। इस प्रकार एमोसाइट लार्वा में मेल और फीमेल का डेवलपमेंट पाया जाता है। अब मैंने कहा कि ये जो एमोसाइट लार्वा है और पेट्रोमाइजान लार्वा को एमोसाइट लार्वा कहते हैं, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो तो समाप्त हो गए, लेकिन मैंने कहा नोट के रूप में मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एमोसाइट लार्वा के फीमेल में एनल फिन पाया जाता है, जबकि क्या होता है, मेल में एनल फिन के स्थान पर या एनल फिन की जगह पर एनल पैपली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एनल पैपली पाई जाती है। यही मेल और फीमेल दोनों में क्या है, अंतर है। अब मैं बता दूं कि ये जो एमोसाइट लार्वा, इसके यज्ञ की बात करें तो एमोसाइट लार्वा अथवा पेट्रोमाइजान लार्वा में टेलोलेसिथल यज्ञ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टेलोलेसिथल यज्ञ पाया जाता है। और एक कंडीशन है कि पेट्रोमाइजान में कार्टिलेजिनस स्केलेटन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्टिलेजिनस स्केलेटन पाया जाता है, यानी हड्डी जो इसकी होती है कैसी होती है, कार्टिलेजिनस होती है। अब ये जो यहां मैं साइक्लोस्टोमा में पेट्रोमाइजान अथवा लैंप्रे के बारे में बताया, ये मेरी टॉपिक समाप्त होती है। कल मैं जो आपको डिस्कस करूंगा फिश के बारे में डिस्कस करूंगा, किसके बारे में, फिश के बारे में, मछली के बारे में मेरी टॉपिक होगी। और यहां मैं बता दूंगा मछलियां दो प्रकार की होती हैं, नंबर एक कार्टिलेजिनस फिश होती है और नंबर दो जो होती है वो होती है बोनी फिश। बोनी फिश को लंग फिश भी कहा जाता है। तो कल की जो मेरी टॉपिक है मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। यदि अभी भी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं स्टेप वाइज लगातार एक के बाद एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का लिंक आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो मैंने आपको बताया कि कल जो मेरी टॉपिक होगी किसकी, फिश में किसकी बातें करेंगे, कार्टिलेजिनस फिश की और बोनी फिश की। बोनी फिश को क्या कहते हैं, लंग फिश भी कहा जाता है।